हेलो, माय नेम इज़ अरुणा राजे पाटिल। मैं कुछ कहने वाली हूँ कहानियों का अनोखा अंदाज के बारे में जो यूट्यूब पे है, एब्सोल्युटली सुपरलेटिव। मैं मुकेश शर्मा जी को कई सालों से जानती हूँ, लेकिन ये पहलू तो कभी नहीं देखा था। हाँ, कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे उनका अनलिमिटेड एंथुजियाज्म, हिज एबिलिटी टू नरेट इंसिडेंट्स इन अ स्पेल बाइंडिंग वे, हिज लिमिटलेस एनर्जी विच कुड पुट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स टू शेम। इट वॉज अ हैप्पी सरप्राइज दैट ही वेंट इनटू स्टोरी टेलिंग। छोटी छोटी कहानियाँ जो मन को भाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इज नॉट द स्टोरी सो मच एज इज नरेशन। ही इज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। किसी भी चीज़ को वो कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और उनका चॉइस ऑफ स्टोरीज भी ऐसे है, सो अप्रोप्रिएट फॉर टूडेज टाइम, सो मीनिंगफुल एंड सो इंस्पायरिंग। आई डोंट विश टू लेट अ सिंगल डे गो पास विदाउट हियरिंग वन ऑफ हिज स्टोरीज। अ नाइस हैबिट टू कल्टिवेट। डू वॉच, यू टू विल गेट एडिक्टेड। तो स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस चैनल पर। आज की कहानी है चील के पुनर्जन्म की। सभी पक्षियों में चील का जीवन काल सबसे लंबा होता है। ऐसा माना जाता है कि जब एक चील लगभग 40 साल की होती है, उसके बाद या उससे 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर जीवित रहना है तो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां पर पुनर्जन्म के दौर से गुजरती है। अब ये कहानी है या सत्य, जो भी हो प्रेरित करती है। कहते हैं कि चील 70 साल तक जीवित रह सकती है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ता है। चील के जीवन की यही कहानी जीने के लिए परिवर्तन और दृढ़ संकल्प की कहानी है। चील जंगल में आमतौर पर 30 साल तक रहती है। 40 साल तक आते आते उसकी प्रतिभा अब शिकार को पकड़ने लायक नहीं रहती। उसके पंजे काम करना बंद कर देते हैं, वे मुड़ जाते हैं और शिकार को पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। चील के जीवन काल में उसके पंजे तीखे और घुमावदार होते हैं। उसके पंजे और उसकी लंबी तथा मुड़ी हुई चोंच केराटिन से बनी होती है, जैसे हमारे नाखून। चील की चोंच शिकार को चीर कर फाड़ कर खाने के लिए बनी होती है, और बिना मजबूत चोंच के और पंजों के चील अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है। 40 वर्ष की अवस्था में चील के पंख भी भारी हो जाते हैं और मोटे होकर वो छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो जाता है। चील के पूरे जीवन काल में उसके पंख बढ़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। एक चील एक समय में अपने सारे पंख नहीं खोती है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो लगातार पंखों को नया जीवन देती है। 40 वर्ष की अवस्था तक आते आते चील के पास केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो वो मृत्यु की ओर जाए या फिर परिवर्तन की एक दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरे, और यह प्रक्रिया करीब 150 दिनों तक चलती है। इस दौर से गुजरने के लिए यह आवश्यक है कि चील पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर जाए, अपना घोंसला बनाए और वहीं रहे। पहाड़ पर जाकर चील एक चट्टान से अपनी कमजोर चोंच को एक पत्थर से मार मार के तोड़ देती है, जब तक कि उसकी चोंच बिल्कुल नहीं टूट जाती। इस प्रोसेस के भयानक दर से गुजरने के बाद अब चील अपने पंजों को गिराना शुरू करती है, और उसके बाद उसके पंख भी गिरने लगते हैं। ये भी काफी दर्द भरी प्रक्रिया होती है। और फिर करीब 5 महीने के बाद चील बगैर कुछ खाए पिए वहां पर यूं ही पड़ी रहती है। 5 महीने बाद चील का पुनर्जन्म होता है। उसके नए पंख चोंच अब एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर चील 30 वर्षों तक अपनी नई जिंदगी के साथ जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी की व्यापक अपील चील की असाधारण शक्ति को मनुष्य को लुभाने के लिए प्रेरित करने के लिए बताती है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें अपने जीवन की यात्रा को प्रतिबिंबित करने का तरीका प्रदान करती है। इस तरह एक कमजोर इंसान भी अगर चाहे तो दृढ़ संकल्प और बदलाव से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर ऐसी कहानियों से आपको लगता है कि समाज का सशक्तिकरण हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।